एक फैमिला देखो तो पागल ही हो गया। देखो अभी मारिया ट्यूशन से जब आएगी तो तब हम उसे मतलब सरप्राइज देंगे। हाँ वेरी गुड, सब लोग तैयार हो गए लेकिन अभी हमारी मारिया तैयार नहीं हो पाई। आज नया नया कपड़ा निकाली, पता नहीं कहाँ से कहाँ रखा था, नहीं किसी ने भेजा अचानक से, हमको कुछ नहीं पता। और अब आ गया चिकन सील गार्लिक, खा के दिखाओ। बर्थडे गर्ल का हमारी जो है तबीयत खराब हो गई, देख लो इनको बहुत तेज बुखार आ गया है। हेलो दोस्तों, आज है 9 अगस्त और आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है, लेकिन आज मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊँगी बल्कि अपनी बर्थडे ड्रेस पहन के जाऊँगी। और रात में 12 बजे हमने मारिया को विश कर दिया, बहुत सारा प्यार भी कर लिया। तो आप एक बार फिर हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ। तो मेरी मारिया को बहुत सारी दुआएँ दो और कि मेरी बेटी ऐसे आगे बढ़ते रहे और तरक्की करते रहे। और साथ ही तो अभी सो रहा है, सुबह 6 बज चुके हैं, 6 बजे हम लोग उठे हैं। इसका पेपर भी चल रहा है तो एग्ज़ाम भी, इसका क्या एग्ज़ाम है आज मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है। मैथ्स का एग्ज़ाम है तो अभी तैयार होगी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो मैं स्कूल जाऊँगी, लेकिन आज स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊँगी बल्कि अपनी नॉर्मल ड्रेस पहन के जाऊँगी। और पापा ने मुझे इतनी सारी चॉकलेट खिलाई है टीचर और स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैं इसे भी लेके जाऊँगी। और आप लोगों ने मुझे हमेशा से इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है तो मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझे बहुत सारी दुआएँ देना। तो अभी अपने बेटे को बहुत सारा प्यार देती हूँ, दुआ देती हूँ। आप लोग भी मेरी बेटी को बहुत सारा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, दुआ दीजिए कि ये आगे जाके बहुत तरक्की करे, अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे इंसान भी बने। आप लोगों का सपोर्ट और दुआ ही चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने हमें इतना सारा सपोर्ट, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए भी मेरी तरफ से मैं थैंक यू बोलता हूँ आप लोगों को। और कल रात में जैसे 12 बजे थे इतने सारे विश करे आप लोगों, बहुत इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह बहुत विश आए, स्टोरी डाल रहे हो, प्यार दे रहे हो। तो आज दिन में हम जो भी करेंगे, अभी मारिया का बर्थडे का भी कुछ हमने कुछ प्लान नहीं किया है, अचानक से कुछ भी करेंगे, देखते हैं रात में क्या करते हैं। फिलहाल भी जा रही स्कूल, 1 घंटे का नहीं है, हाँ क्या करते हैं क्या नहीं, हाँ 1 घंटे का एग्जाम देके फिर आती है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हम सबने तो रात में ही मारिया को विश कर दिया था लेकिन ये भाई साहब सो गए थे, देखो सो रहे हैं अभी भी सो रहे हैं। इन्होंने अभी तक मारिया को विश ही नहीं किया, बताओ। पिछले साल बोला था कि जब तू मुझे चॉकलेट देगी तभी मैं तुझे विश करूंगा। हाँ अरे छोटा है यार, अभी उठेगा तो करेगा। मैंने इसे बर्थडे वाले दिन गिफ्ट दिया था, वो भी सरप्राइज गिफ्ट, तो देखता है सारी मुझे। हाँ वो भी देगा। इनको देखो हैप्पी बर्थडे नहीं बोली क्या, ये लो चाहिए हैप्पी बर्थडे बोली, हाँ बोली, हाँ चॉकलेट ले ले, जबान निकल खाते ना चॉकलेट लोग। तो फाइनली मारिया रेडी हो गई है, अब मैं चलता हूँ स्कूल मारिया को छोड़ने के लिए। ऐसे सुबह सुबह ये जाती है डेली छोड़ने, लेकिन आज मैं उठ गया हूँ तो आज मैं जाऊँगा। चलो बैग मारिया ले लिया, शूज भी पहन लिया। तो अभी मैं स्कूल आ चुकी हूँ और मैं जाऊँगी अभी स्कूल। 1 घंटे बाद मैं फिर छूटूँगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सिर्फ आज 1 ही घंटे का है, तो मैं जाती हूँ स्कूल। पापा मुझे दुआ दे दो, 1 घंटे बाद फिर मैं आऊँगा। हाँ और जो तुम्हारा अच्छे से पेपर जाए और अच्छा नंबर भी लाओ। और जब से पेपर स्टार्ट हुआ आज ही पापा आए मुझे स्कूल छोड़ने, वरना मैं जब से पेपर स्टार्ट है मैं मम्मा के साथ पैदल ही आ रही हूँ। रहता हूँ ये लोग अपना आते हैं, तो आज उठ गया तो आ गया। चलो तो यार अच्छे पेपर देना। हाँ बाय। अब हमारे छोटे नवाब सोकर उठ गए हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं और मारिया के स्कूल से आने का भी टाइम होगा क्योंकि 8 से 9 1 घंटे का पेपर था। और ये अब सो के उठे हैं, अब ये जाएंगे ट्यूशन। और तुमने मारिया को विश किया उसका बर्थडे? ये रात में सो गए थे 12 से पहले और सुबह उठे भी नहीं, तो अभी मारिया आएगी उसको विश कर लेना। पहले तुम जाओ ट्यूशन, मैं जा रहा हूँ स्कूल मारिया को लाने। तो हमारी लाडो रानी फाइनली आ रही हैं, आज थोड़ा लेट आई है स्कूल से। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका पेपर कैसा गया, सबसे पहले आप ये बताइए? पेपर अच्छा गया। और स्कूल में क्लास में बर्थडे कैसा हुआ? अच्छा हुआ। सबको चॉकलेट दे दी? सब लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला? अब हमारे छोटे नवाब देखो ट्यूशन से पढ़ के आ गए हैं। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे विश कर दिया मारिया को, हैप्पी बर्थडे बोल दिया, लेकिन भाई साहब अब देखो अब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। ये रात में सो गए थे और सुबह स्कूल चली गई थी तो ये उठे नहीं थे, अभी उठ के ट्यूशन गए, अब ये इनको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। ये भाई बहन बताओ कैसा भाई है। हाँ थैंक यू। तो सैड क्यों हो तुम इतना भी भाई बहन? मैंने इसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? ए गिफ्ट के लिए सैड है साथियों, इनको गिफ्ट दो अब तुम। क्या दोगे? अच्छा दूंगा, बाद में अभी दूंगा। क्या लेकिन सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे। हंसो, स्माइल करो। हाँ, और मारिया की थोड़ा तबीयत भी आज डाउन लग रही है, बुखार भी है, मुझे भी है, मारिया को भी है। देखो आँख लाल होगी, दिखा आँख लाल होगी, थोड़ा बुखार भी है, दवा दिलाना पड़ेगा इसको। और चलो तुम फटाफट, चलो तुम तैयार हो, नहा दो। तुमका अभी इनको जाना है पेपर देने, ये तो आ गए, अब इनको स्कूल जाना दोपहर में, इनका भी पेपर है। आज क्या पेपर तुम्हारा? मेरा आज मराठी का। हाँ, इनका मराठी का। चलो फटाफट तैयार हो। साजिम के स्कूल का टाइम हो गया, चलते स्कूल। लेकिन अब बर्थडे कल का हमारी जो है तबीयत ख़राब हो गई, देख लो, इनको बहुत तेज बुखार आ गया है, तो इनको चल के दवा दिलाते हैं। आज के दिन इनको बुखार आता है बेटा? हाँ, चलो दवा दिलाते हैं इनको, इनको स्कूल ड्रॉप करते हैं। जाओ अच्छे से एग्ज़ाम देना। हाँ, आज क्या पेपर तुम्हारा? मराठी। हाँ जाओ, चलो अभी लेने आता हूँ। हाँ चलो, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो हमने यहाँ से दवा ले लिया है। बहुत तेज़ बुखार है, डॉक्टर ने बोला बहुत तेज़ बुखार है, अभी दवा खाली खिला देना, तो चलो घर दवा खाओ। अभी हमारे कुछ फ़ैन मिल गए हैं, तो ये लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, माशाल्लाह। देखो स्कूल वाले। हाँ चलो, ये भी आएगा। चलो बाय। एक फैन मिला, देखो ये तो पागल ही हो गया, देखो इसको तो पागल ही हो गया। मिलने से मिलने भाई, मिलने। हाँ, वो क्या क्या हाँ बेटा, क्या हो गया बता दो? क्या हो गया, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलो बाय। तबीयत ख़राब है इनकी, बुखार है, दवा खाई है, लेकिन ट्यूशन भी जाना है। और इतनी चॉकलेट भी बची हुई है, इसको बैग में डाल लो, क्योंकि ट्यूशन में भी चॉकलेट देना ना बच्चे लोग को, और टीचर के लिए लेना, क्योंकि मम्मी जाएंगे उनको ट्यूशन छोड़ना, क्योंकि उनको चक्कर भी आ रहा है। लेकिन पढ़ना जरूरी, क्योंकि पेपर अभी 2 दिन और है ना, कल लास्ट है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो चाहे छुट्टी भी कर देते। जाओ थोड़ा पढ़ के आ जाओ। मारिया ट्यूशन जा चुकी है और सालिम स्कूल से आ चुके हैं। अब इनको मारिया के लिए गिफ्ट लेना है, तो चलो देखते हैं शॉप पर क्या समझ में आता है, क्या लेते हैं। तो सालिम ने अभी डिसाइड किया है तो वॉच लेगा मारिया के लिए। कौन सी पसंद आ रही है? बता। मेरे को ये आ रही है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा। हाँ तुम बताओ कौन सी ये पसंद आई? हाँ, हाँ यार अच्छी लग रही है, चलो ले लेते हैं। अगर उसको पसंद नहीं आया तो चेंज भी कर लेंगे आप, है ना। गाड़ी लेकर आ चुके हैं घर, और अभी मारिया ट्यूशन से जब आएगी तो तब हम उसे मतलब सरप्राइज देंगे। और ये वॉच जो है सालिम ने अपने पॉकेट मनी से बचा के लिए, क्योंकि मारिया ने भी इसको इसके बर्थडे पर अपने पॉकेट मनी से गिफ्ट दिया था। क्या घड़ी चाहिए? मुझे पता है। हाँ, तुमको कैसे मालूम कि उसको घड़ी चाहिए? क्योंकि हम जहाँ पर भी घूमने जाते थे उधर घड़ी मिलती थी, तो मारिया हमेशा बोलती थी। अच्छा हाँ, बोलते थे हाँ घड़ी घड़ी घड़ी। हाँ, तो मेरे बाल भी थोड़े बड़े बड़े हो गए, तो माला थोड़ा बाल भी करवा लूँ और शेविंग भी करवा लूँ थोड़ा सा। तो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा जरूर कमेंट करना, मुझे पता है अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी कमेंट कर देना। मैंने बाल कटवाया और बहुत दिनों बाद मैंने शेविंग करवाई, क्योंकि मैं अपने हाथों से शेविंग कर लेता हूँ, बाल तो आते नहीं है दाढ़ी मूंछ के। तबीयत कैसी है अभी? बुखार कम हुआ? हाँ कम तो है। आप इधर आइए और यहाँ बैठिए, और आप अपनी आँख बंद करिए। आँख बंद है? नहीं नहीं, आपके भाई ने हाथ हाथ आगे करिए। दोनों हाथ अभी आँख खोलिए। आपके लिए आपके भाई ने गिफ्ट लाया है, आप बता सकती क्या है ये? आप खोलिए पहले। घड़ी कब से चाहिए थी? और मैं नहीं बोला उसको हाँ कि घड़ी ले, उसने खुद से बोला कि मारिया बहुत जहाँ भी जाती घड़ी घड़ी बोलते रहती है, तो घड़ी दिलाऊंगा। दिखाओ घड़ी, अच्छी पसंद आई कि नहीं? बहुत मस्त लगी। हाँ मेरे पास है घड़ी, लेकिन वो खराब हो चुकी है। नहीं अगर नहीं पसंद रहे तो बोला चेंज कर देगा, बोला दुकान वाला। थैंक यू बोली। हाँ इसने अपने पैसे से लिया, अपने पैसे से लिया है, अपने पॉकेट में से। रबड़ वाली सही था? नहीं अगर होगा बताना, चेंज करा दूँगा। घड़ी तो अच्छी है, लेकिन हमारे के मतलब हाथ में आ नहीं रही, हाथ बहुत पतला है, तो बोला दुकान पर चेंज कर लेना, ठीक है जाके चेंज कर लेना। ठीक है, अब बज रहे हैं 5:15। अचानक देखो हमारे घर पे क्या आ गया, हैप्पी बर्थडे का केक आ गया। और ये किसने भेजा है हमको रियल में? नहीं आप लोग को लगेगा हम लोग कुछ भी झूठ बोलते, झूठ नहीं है, किसी ने भेजा अचानक से, हमको कुछ नहीं पता। इंस्टाग्राम पे देखते हैं शायद किसी का मैसेज आया हो, किसने भेज दिया हमको कुछ पता ही नहीं। पार्सल वाला भी पता नहीं अजीब सा नाम बता रहा था, हम लोग का नाम भी नहीं था उस पर, तो किसी ने भेजा सरप्राइज़। तो इसे कहते हैं प्यार और परिवार, कौन सा परिवार? रिश्तेदार। इसे कहते हैं प्यार परिवार रिश्तेदार, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर जो आप लोग हो, आप भी लोग हमारा प्यार हो और रिश्तेदार हो, परिवार हो, इसलिए सिर्फ आप ही लोग को हम रिश्तेदार मानते हैं। आप लोग पूछते हो ना रिश्तेदार के बारे में बताओ, रिश्तेदार के बारे में वीडियो बनाओ, तो आप लोग प्लीज़ रिश्तेदार के बारे में मत पूछा करो, क्योंकि आप भी हमारे रिश्तेदार और परिवार और प्यार सब कुछ हो। केक काटेंगे नहीं, लेकिन खोल के देखते केक कैसा है। हाँ वाह, छोटा सा केक है लेकिन बहुत। अबे ड्राई फ्रूट वाला क्या? पूरे में ड्राई फ्रूट देख। वाह कितना प्यारा केक है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मारिया। तो जिसने केक भेजा है उनसे हमारी बात हो गई इंस्टाग्राम पे, उनका नाम है अनी कौर। भेजा तो अनी कौर को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही प्यारा केक हमें पसंद आया। तो कोई आए या ना आए, हमारे हुसैन भाई देखो आ गए माशाल्लाह। और हमारे आकाश भाई भी आ गए हैं, मारिया को विश हो रहा देखो। तो कोई आए ना आए, हमारे हुसैन भाई देखो आ गए और कोई आने वाला है नहीं। जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो सब कुछ रियल में नहीं होता, सोशल मीडिया कुछ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होती है। यहाँ हमारे तो कोई है नहीं, बस यही है, अच्छे बुरे में ही आते हैं। बाकी और तीन लोग लेकिन सब बाहर, एक यूपी में, एक दिल्ली में, गोवा में, मुंबई वाले हमारे यही हैं। तो ये आ गए तो अब चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, हमारा कुछ करने का इरादा नहीं था। तब चलते हैं, तैयार होते हैं, चलते कहीं थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करते ना, चले। तो सब लोग तैयार हो गए लेकिन अभी हमारी मारिया तैयार नहीं हो पाई, बहुत टाइम लगा रही तैयार होने में। हाँ शादी में तैयार हो गया है। और इनकी मम्मी भी देखो आज नया कपड़ा निकाली, होता है कहाँ रखा था ये? हाँ कहाँ से निकाली तो लाई कपड़ा। तो आप लोग जरूर कमेंट करना मारिया की मम्मी का कपड़ा कैसा लगा। तो आपको मारिया का ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये हमने अभी रिसेंटली खरीदा। हाँ और शादी का, और ये पापा का एकदम मस्त। हाँ तो हम केक भी वाला लेके जा रहे हैं, क्योंकि और केक लेके कोई मतलब नहीं है, इतने में हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम हमारी पार्टी में कोई और आने वाला नहीं है, सिर्फ हम जितने लोग आपको दिख रहे हैं इतने लोग ही रहेंगे, इसलिए हमने और केक नहीं लिया, इसी केक में हम अपनी पार्टी मना लेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली ढाबे पे आ चुके हैं। ढाबा ये काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ढाबा जैसे मेरा बर्थडे तो स्पेशली उसके लिए सजाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो ढाबा के अंदर चलते हैं और अपनी छोटी सी पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फाइनली आ गए ढाबे पे, तो हमारा केक अब लग गया है। आप केक करने जा रहे हैं तो मैं उधर नहीं दिखूँगा आपको, मैं इधर दिखूँगा क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ, शूट करने वाला कोई है नहीं। और जोर से यार, चलो तारीफ तुम खिलाओ मारिया को। अरे छोड़ सब खराब, मेकअप मुझे भी खिलाएगी। माँ बेटी का प्यार और करते हुए मैं इसमें नहीं लिखा क्योंकि मैं शूट कर रहा था। तो फिर से एक बार अपनी बेटी को मैं हैप्पी बर्थडे कर दूँ, ढेर सारा प्यार था ना। हाँ नहीं तो मैं हमारी बोली केक काटने के लिए पापा नहीं थे, शूट कौन करता फिर ना, शूट कर रहा था। तो अच्छा लगा। तो हमारी यही पार्टी थी, केक काट के ज़्यादा मतलब बड़ी भारी पार्टी आपको मालूम करते नहीं है। हुसैन भाई आ गए इसलिए हम यहाँ आ गए, करने शायद हम ये भी नहीं करते, केक भी आ गया तो आपको पता ही है। तो अब हम कुछ ऑर्डर करते हैं खाने पीने के लिए, है ना, जो है चना लहसुन। तो किस किस ने चना लहसुन खाया कमेंट करके जरूर बताना, बहुत टेस्टी होता है ये। कैसा लगा लहसुन चना? अच्छा लगा। तो अब हमारा बंजारा चिकन आ गया है। हाँ इसके बारे में आपने खाया ना बंजारा चिकन? नहीं, इसको बहुत ज़्यादा पता है, खाने के बारे में इसको नॉलेज है। नहीं बताएंगे, हम खुद ही खा के बताएंगे अभी। और अब आ गया है चिकन चीज़ गार्लिक, खा के दिखाओ कैसा लगा। चिकन चीज़ गार्लिक और ये बंजारा चिकन। सलाद आ गया है, ककड़ी और कांदा मतलब प्याज। कैसा लगा ये? अच्छा लगा। आकाश भाई कैसा लगा आपको बर्थडे कल? कैसा लगा आपको? हाँ, उनकी तबीयत खराब थी, हम लोग को पता है, अब थोड़ा सही हो गई तेरे दवा खाई। तो ये सबसे बड़ा चिकन लवर हमारे घर में ये है, चिकन दे तो खाते रहेगा, ज़्यादा खाना नहीं है, खाता हाँ मांगता जाता है, लेता जाता है, खाता कम है। अब हमारा मेन कोर्स आ गया है जिसका नाम है दर्जी ग्रेवी चिकन और साथ में तंदूरी रोटी। स्टार्टर इतना हो गया, स्टार्टर इतना खा गया कि मेन कोर्स नहीं खा पा रहे। तो ये लोग का खाना पीना सबका हो गया है, ये लोगों ने खाना बहुत सारा छोड़ भी लिया, पूरा खाए भी नहीं, ये सबसे कम ये खाया है ना। और सबसे ज़्यादा खाने वाले हमारे आकाश भाई हैं, माशाल्लाह सबसे ज़्यादा ही खाते हैं। अभी हमारा हमने जो केक कट गया था उसको हमने खाया नहीं, खाली कट करके रख दिया था। अब केक आएगा तो ये लोग सब लोग केक खाएंगे और जब तक केक खत्म नहीं होएगा कोई यहाँ से उठेगा नहीं, ये आज का चैलेंज है। ये जो है मारिया को खाने जा रही है, देखो अभी मारिया को खाएगी, मेरे को भी थोड़ा खाना दे दे, उसको भी दे दे। मारिया को खाएगा, अल्लाह मैं भी खा लेता हूँ, तो थोड़ी सी मारिया बची हुई इसको मैं खा लेता हूँ। सही लोग अब केक आ गया है, केक खा रहे सब लोग, देखो। तो अब हम आ गए गेम जोन में, देखो यहाँ सब बच्चे लोग की एक्टिविटीज़ है। तो अभी हमारे हुसैन भाई गन की जरा प्रैक्टिस करने जा रहे, इधर नहीं भाई, इधर नहीं, उधर। अरे कल मारो क्या मारो ना यार, ये कितना गंदा निशान है यार, जा यार। अब सालिम शूट करने जा रहा, देखो हाँ हाँ सालिम फुलना चाहिए, हाँ मार, वेरी गुड मार दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बस किचल मारिए फुलना चाहिए, हाँ बेटा हाँ वेरी गुड, क्या निशाना था। तो अभी आखिरी और ये पापा मारेंगे, अरे क्या पापा। अब साजिद भाई हमारा चलाया जा रहा है, हाँ वाह वेरी गुड। अब हुसैन भाई चलाए जा रहे हैं लेकिन बिल्कुल चला नहीं पा रहे हैं, हाँ न्यू साजिद तो सच से चला रहा था भाई, इनको सिखाना पड़ रहा है बच्चे लोग की तरह। तो हमारी बर्थडे की पार्टी यहीं एंड होती है और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और अंकल आए तो मेरा बर्थडे और ज़्यादा स्पेशल हो गया, तो अंकल का बहुत बहुत थैंक यू। वाले अंकल तो हमारे सामने आते नहीं, एक अंकल और है आकाश अंकल, हाँ जो कि बहुत कम ही आते हैं कैमरे में, वो बहुत शर्माते हैं उनको बताती है। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और मेरे लिए ऐसे ही बहुत सारी दुआएं करते रहना और मुझे ऐसे ही बहुत सारा सपोर्ट और प्यार देते रहना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू, बाय।